जमशेदपुर के धालभूम क्लब प्रांगण में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का आयोजन हुआ, जहां मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मौजूद रहे। मोर्चा के प्रदेश और जिला कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी स्तर पर मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य रूप से यहां राज्य में 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। वहीं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा का अर्थ होता है फ्रंट लाइन, और इसी को ध्यान में रखते हुए मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर जन मुद्दों पर आंदोलन करने की जरूरत है। मोर्चा में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ भाजपा आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेगी। अब तक के कार्यक्रमों की कार्यों की समीक्षा और आने वाले समय में, जैसे माननीय मोदी जी का जन्म दिवस कल ही है, 17 सितंबर को आ रहा है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। और जल संरक्षण के अभियान, पोखर तालाब के सफाई के अभियान, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम, किसान जागरण के कार्यक्रम, तो अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का एक आयोजन बिरसा मुंडा की भी धरती पर यहाँ झारखंड में हो, तो उसके लिए भी एक योजना यहाँ बना सरकार है। वो वंशवादी और परिवारवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। उनको अपने परिवार की चिंता है और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सबके परिवार की चिंता है। तो झारखंड की सरकार तो केवल वो और उनके बेटे गद्दी पर कैसे आसीन रहे, उसके लिए क्या भ्रम फैलाएं, क्या समाज में झूठ और फरेब परोसे, इसकी तैयारी में ये लोग रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का काम करके सभी देशवासियों के लिए काम करते हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।